चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट डायरीज में। दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजीव जी पिछले 10 सालों से प्राइस एनालिसिस स्टडी सिखा रहे हैं। यदि आप भी प्राइस एनालिसिस स्टडी सीखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट www.iatsedu.com पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप राजीव जी के द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स के फीडबैक जानना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट के वीडियो टेस्टिमोनियल पेज पर जाकर उनके द्वारा दिए गए रिव्यूज देख सकते हैं। आज हम राजीव जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों प्राइस एनालिसिस स्टडी टेक्निकल एनालिसिस स्टडी से ज्यादा बेहतर है। तो आइए स्वागत करते हैं इंडियाज वन एंड ओनली प्राइस एनालिस्ट राजीव भाटिया जी। हेलो सर। हेलो जी। सर, मार्केट पार्टिसिपेंट अक्सर टेक्निकल एनालिसिस स्टडी को फॉलो करते हैं ताकि वो एक अच्छे प्रेडिक्टर बन सके, लेकिन इसके बिल्कुल उलट आप करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करने के लिए कहते हैं, आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहते हैं, थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि क्यों करंट मार्केट प्राइस, प्राइस बिहेवियर और प्राइस एक्शन ज्यादा बेहतर है एज कंपैरिजन टू टेक्निकल एनालिसिस स्टडी। बिल्कुल सुमित, मैं आज आपको जरूर बताऊंगा कि करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करना, प्राइस एक्शन को फॉलो करना या प्राइस एनालिसिस करना टेक्निकल एनालिसिस करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो क्यों, उस पे जाने से पहले मैं आपको छोटा सा यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। डेफिनेटली इस मार्केट में आने वाले हर पार्टिसिपेंट का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य हमारा भी था जब हम इतने साल पहले इस मार्केट में आए थे, और वो क्या कि मार्केट में क्या हो रहा है वो हमें पता चल जाए ताकि अकॉर्डिंगली हम भी अपनी पोजीशन बना सके और अपने पैसे से पैसा बना सके। अब होता क्या है इस मार्केट में, तीन ही चीजें होती हैं सुमित जी, कि या तो नेट में बाइंग हो रही है या नेट में सेलिंग हो रही है या इस बाइंग और सेलिंग की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जिसको अनवाइंडिंग बोला जाता है। तो मोटा मोटा उद्देश्य हम सभी का यही है, चाहे हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, कि बाजारों में कब बाइंग हो रही है ताकि हम भी बाइंग कर सकें, कब सेलिंग हो रही है ताकि हम भी सेलिंग कर सकें, और कब इस बाइंग और सेलिंग की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ताकि हम भी प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग कर सकें और अपने पैसे से पैसा बनाएं। इस चीज को पूरा करने के लिए, अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत से लोग टेक्निकल एनालिसिस नाम की स्टडी को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी एक मान्यता है, ऐसी एक सोच है ट्रेडर कम्युनिटी या इन्वेस्टर कम्युनिटी के बीच में कि टेक्निकल एनालिसिस आपको एक अच्छा प्रेडिक्टर बना देता है, आपको एक ऐसी सोच दे देता है कि आप कल क्या होने वाला है आज ही जान जाओ, राइट। और एक ये भी मान्यता है कि कोई जो जितना अच्छा प्रेडिक्टर होगा वो उतना बड़ा अच्छा खिलाड़ी होगा, उतना अच्छा पैसा बनाएगा। तो मैं यहां पर अपने एक्सपीरियंस से एक बात ये कह देना चाहता हूं आप अपने सभी व्यूअर्स को कि ये मान्यता बिल्कुल गलत है, ये सोच, ये एटीट्यूड ही बिल्कुल गलत है। और हमें प्रेडिक्शन करनी ही क्यों है कि अगर हमें सब कुछ होते हुए दिख जाए तो हमें प्रेडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा पर्सनली मानना तो ये है। तो ये कैसे पॉसिबल है अगर हम सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करें, यदि हम प्राइस एनालिसिस करें, हम प्राइस बिहेवियर को समझें, और जब हम उसको करना शुरू कर देंगे, जब हम वो सीख जाएंगे तो हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब चीजें होते हुए हमें पता चलेंगी। अब वो कैसे होगा ये सब तो हमारे कोर्स का पार्ट है, लेकिन यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस या प्राइस एनालिसिस करना टेक्निकल एनालिसिस से कैसे बेहतर है। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपको और मुझको दिल्ली से मुंबई जाना है अपनी अपनी गाड़ी में, और ये हमारी पहली यात्रा है मुंबई की, हम पहले कभी मुंबई नहीं गए हैं तो इसलिए हमें रास्ता भी नहीं मालूम है, और वहां जाने के लिए आप अपनी कार में जब निकले हैं और आप एक पॉलिटिकल मैप जो कि बाजारों में उपलब्ध होता है आप वो अपने साथ लेकर के चले हैं, और आप इस पॉलिटिकल मैप को रास्ते में रीड करते हुए चलते चले जाएंगे, रास्ते में आप गवर्नमेंट द्वारा लगाई हुई साइन बोर्ड्स का, साइनेजेस का मदद लेंगे, आप रास्ते में मिलने वाले लोगों की, राहगीरों की मदद लेंगे जो आपको रास्ते में गाइड करेंगे कि कौन सी रोड कहाँ जा रही है ताकि आप बड़े स्मूथली दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएं, राइट। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं वो कॉम्प्लेक्स मैप नहीं लेकर के चलूंगा, मैं किसी राहगीर की मदद नहीं लूंगा, मैं किसी साइन बोर्ड की भी मदद नहीं लूंगा। आज 21वीं सेंचुरी में हम सभी के पास हमारे मोबाइल में एक ऐप मौजूद है जिसको गूगल नेविगेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा और फिर देखते हैं किसकी जर्नी स्मूथली और प्रैक्टिकली आरामदायक और जल्दी पहुंचा देने वाली होती है।
कि जब मैं अपने घर से निकला तो मैंने वो नेविगेशन सिस्टम ऑन किया, मैंने उसमें दिल्ली से मुंबई तक का अपना ड्रॉप लोकेशन डाला और बटन ऑन कर दिया डायरेक्शन का, राइट। इसने मुझे चलते हुए बिल्कुल पूरा मैप मेरे सामने खोल दिया कि आपको 100 मीटर बाद आगे जाकर के राइट जाना है, 2 किलोमीटर बाद आपको लेफ्ट होना है, 10 किलोमीटर बाद जाकर के एक राउंड अबाउट आएगा, वहां से आपको फोर्थ एग्जिट लेना है, और इस तरीके से मुझे रास्ता बताता हुआ चलता चला जाएगा, पूरी जानकारी दे देगा, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम होगा, राइट। अब ठीक इसके साथ साथ आप अपनी गाड़ी में वो एक कॉम्प्लेक्स सा मैप लेकर के बैठे हैं, उस कॉम्प्लेक्स मैप में सबसे बड़ी बात अब जो यहां बता देने वाली है सुमित जी, वो ये कि उस कॉम्प्लेक्स मैप के अंदर मैं बार बार जो वर्ड यूज कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स, वो क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स मैप में दिल्ली से मुंबई का रास्ता तो है, लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है जिसकी असल में जरूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पर कि दिल्ली से मुंबई के रास्ते के साथ साथ वो दिल्ली से पूना का रास्ता भी दिखाएगा, वो दिल्ली से पंजाब का रास्ता भी दिखाएगा, वो ऐसी और 36 चीजें दिखाएगा जैसे कि नदियों की इंफॉर्मेशन, पहाड़ों की इंफॉर्मेशन या कोई और 4-6 ऐसी चीजें जिसकी वाकई में जरूरत नहीं है। और यही सेम चीज टेक्निकल एनालिसिस करने वालों के साथ भी होती है, उनके मैप में जो वो बहुत सारे इंडिकेटर ऑक्सीलेटर लगा करके बैठे होते हैं वो दिल्ली से मुंबई के रास्ते के अलावा आपको ऐसी और बहुत सारी चीजें दिखा रहे होते हैं जिसकी असल में जरूरत नहीं है और आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मेरे पॉइंट को आप कोरिलेट करते चले जाइएगा, राइट। लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे को अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरा माइंड भी कंफ्यूज नहीं होगा, मुझे सीधा सीधा डायरेक्शन मिलेगी, राइट। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी कार में आराम से बैठा, मैंने वो नेविगेशन सिस्टम सामने लगा दिया विंडो के साथ, अपने गाड़ी के शीशे ऊपर करे एसी ऑन किया, खाता पीता मजे से उस नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करता हुआ जा रहा हूं। वो नेविगेशन सिस्टम में से एक लेडी बड़ी प्यारी सी आवाज में मुझे बोल रही है कि 200 मीटर बाद राइट हो जाइए, मैं राइट हो गया, 1 किलोमीटर बाद लेफ्ट हो जाइए, मैं लेफ्ट हो गया, 3 किलोमीटर बाद एक राउंड अबाउट आएगा जिससे आपको फोर्थ एग्जिट लेना है, मैंने वो भी ले लिया और मैं स्मूथली अपनी गाड़ी से चलता चला जा रहा हूं। लेकिन साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार गाड़ी साइड में रोक रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स मैप को वॉच कर रहे हैं, उन रास्ते में लगी हुई गवर्नमेंट द्वारा लगाई हुई उन होर्डिंग्स को देख रहे हैं या किसी राहगीर से मदद ले रहे हैं कि भैया असल में ये रोड वहां पर जाएगी भी या नहीं जाएगी, क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जो होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं कई बार वो टूटी वूटी होती हैं या कई बार हवा से वो डायरेक्शन कुछ और ले लेती हैं, और यही सेम चीज हमारे टेक्निकल एनालिसिस में भी होती है, वहां पर भी इस तरीके की कुछ होर्डिंग्स होती हैं जो टूटी फूटी हैं या जो हवा के बहाव से गलत डायरेक्शन आपको दे रही हैं। अब ये समझने वाली बात है, आप कोरिलेट करते चले जाइए तो एंड में आपको निष्कर्ष अपने आप पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स मैप में, उस होर्डिंग्स में, उन राहगीरों की इंफॉर्मेशन में, क्योंकि बहुत बार ऐसे राहगीर भी होते हैं जो मजे लेने के लिए जानकर आपको बोल देंगे जी राइट जाने के लिए लेफ्ट चले जाओ, यदि वो आपसे कुछ पूछेंगे कि कितने किलोमीटर आगे जाकर के कुछ है, बस जी थोड़ी देर आगे जाके मिल जाएगा या 20 किलोमीटर बाद मिल जाएगा, एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक इंफॉर्मेशन मिली जुली गलत और सही की होगी, इसी वजह से आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, इसी वजह से आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेविगेशन में अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो बता देता है, वो बता देगा, मैं वहीं पर ही आ रहा था। अब इस नेविगेशन सिस्टम को अगर मैं चला रहा हूं, मैं इस नेविगेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड हूं, जैसा आपने कहा कि अगर मैंने कोई गलती से कोई रोड गलत पकड़ भी ली तो ये डायरेक्टली मेरे को उस टाइम रीरूट कर देगा कि आपको ये रोड मत पकड़ो, आप इस रोड पे आपको 2 किलोमीटर फालतू पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप वापस इस रोड पे आ जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से यहाँ पर वो फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, रास्ते में आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, आपकी कार का टायर पंचर हो जाएगा, आपको एक मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। ये नेविगेशन सिस्टम आपको एग्जैक्टली बताएगा कि 200 मीटर बाद एक पेट्रोल पंप आएगा, 1 किलोमीटर बाद एक मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट आएगा, आप वहां पर कुछ खा सकते हैं। लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स मैप आपको ये सब चीजें नहीं बता पाएगा, उसमें ऐसी कोई मार्किंग नहीं होती कि पेट्रोल पंप आएगा या मैकडॉनल्ड्स आएगा या पंचर वाला आएगा। और इससे बड़ी बात, अगर आपने कोई बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का पॉलिटिकल मैप ले भी लिया है और वो आपको बता भी अगर रहा है कि 5 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप मिलेगा या 10 किलोमीटर बाद कोई फूडिंग पॉइंट मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि वो आज खुला हुआ है या बंद है, लेकिन मेरा नेविगेशन सिस्टम मुझे ये भी बता देगा कि अगर 200 मीटर बाद कोई पेट्रोल पंप है तो आज वो खुला हुआ है या बंद है, वहां पर पेट्रोल उपलब्ध है या नहीं है। और इसके साथ अगर वो बंद है तो वो आपको ये भी बता देगा, आप एक राइट कट ले लीजिए, 2 किलोमीटर आपको फालतू पड़ेगा, आप पेट्रोल भरा करके वापस आ जाइएगा, अंदर एक पेट्रोल पंप है जो कि खुला हुआ है, राइट। आपका वो मैप आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा। इससे भी बेहतर चीज सुमित जी, जब आप इस नेविगेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे तो ये आपको रास्ते में आने वाली अड़चने, फॉर एन एग्जाम्पल कोई ट्रैफिक जाम है, कहीं पर कोई रोड टूटी हुई है या किसी और तरीके की कोई मिसहैपनिंग हुई है, तो ये रेड मार्क दिखा देगा। अक्सर हम देखते हैं अपने मैप के ऊपर कि ट्रैफिक है, तो ये ट्रैफिक की आपको पहले से इंफॉर्मेशन वहां पे होते हुए बता देगा कि जी यहां पर ट्रैफिक है, आपको आधा घंटा जाम लग सकता है।
अगर आप चाहें तो आप दूसरी रोड ले लीजिए, 2-4-5 किलोमीटर जैसे मैंने अभी कहा फालतू पड़ेगा, लेकिन आप इस ट्रैफिक जाम से बच जाएंगे और आप अपने डेस्टिनेशन पे ऐसे घूमकर राइट या लेफ्ट होकर के पहुंच जाएंगे। लेकिन आपका वो कॉम्प्लेक्स मैप वहां पहुंचने पर आपको बताएगा कि देखिए जी ट्रैफिक जाम है, 2 घंटे में लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, ये भी नहीं बता पाएगा। कितने किलोमीटर का जाम है ये भी नहीं बता पाएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी तो वहां घूमते हुए लोगों से मिलेगी कि हाँ जी यहाँ तक जाम दिख रहा है या वहां तक दिख रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो भी नहीं देंगे। तो यहां पर इस नेविगेशन सिस्टम में आपको वो जाम की इन्फॉर्मेशन, उस पेट्रोल पंप के बंद होने की इन्फॉर्मेशन या इस तरीके की और बहुत सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन होती हुई पता चलेगी, वहां पर पहुंचने के बाद पता चलेगी। ये एक छोटा सा फर्क है इन दोनों चीजों के बीच में। ये तो बहुत बड़ा फर्क है सर, एक जगह आप सिर्फ प्रेडिक्शन के ऊपर चले हुए हैं और एक जगह आप लाइव होती हुई चीज देख रहे हैं। तो ये तो चलो अपने अपनी समझ की बात है सुमित जी, यही चीजों के लिए तो मैं एम्फसाइज करता हूँ कि करंट मार्केट प्राइस को देखें, क्योंकि असल में है भी बहुत बड़ा फर्क, लेकिन ये समझने की बात है कि अगर वो बड़ा फर्क आपको समझ में आ जाए तो बात कुछ और है, नहीं तो लोग तो काम कर ही रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स मैप के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है सुमित जी यहाँ पर कि ये नेविगेशन सिस्टम, ये करंट मार्केट प्राइस मुझे सब कुछ होते हुए बताएगा कि ये चीजें हो रही हैं, मुझे 2 घंटे बाद की या 1 दिन बाद की चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर मैं इसको फॉलो करूंगा। लेकिन आपके कॉम्प्लेक्स मैप में मैं हमेशा एक परेशान डायलमा में दिखूंगा कि पता नहीं वहां पे क्या होगा और क्या नहीं होगा, और वो भी एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर नहीं होगा, अनसर्टेन रहेगा। इसी चीज को और क्लियर समझने के लिए सुमित मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ और आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंस से, आपको लाइव चीजें देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है या रिकॉर्डेड चीजें देखना पसंद है? सर नो डाउट लाइव चीजें। लाइव चीजें, कोई लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है, कोई लाइव कंसर्ट हो रही है, कोई लाइव मैच चल रहा है, कोई लाइव आरती हो रही है, किसका मजा है ज्यादा, क्या देखने में ज्यादा एंजॉय आएगा, लाइव आरती देखने में या रिकॉर्डेड आरती? लाइव आरती देखने का मजा ही अलग है, आप और हम सब जानते हैं। क्रिकेट स्टेडियम में कोई लाइव मैच चल रहा है उसको देखने का मजा ही अलग है, कौन सी कैच कब हुई, कौन कब आउट हुआ। आप अगर टीवी में भी देखेंगे तो ये 6 सेकंड लेट आएगा, लेकिन अगर आप लाइव स्टेडियम में बैठ करके देख रहे हैं तो वहां पे देखने का आनंद ही अलग है, मजा ही अलग है। इसी तरीके से कोई लाइव स्ट्रीम हो रही है, कोई लाइव मैच चल रहा है जैसा मैंने कहा, कोई लाइव बैंड कंसर्ट हो रही है, तो इन सब चीजों का लाइव देखने का मजा है, वो सब चीजें होती हुई आपको पता चलती हैं। सिमिलरली करंट मार्केट प्राइस को, प्राइस एक्शन को, प्राइस बिहेवियर को, या जब हम सिर्फ प्राइस एनालिसिस करते हैं तो हमें वो सब चीजें होती हुई दिखती हैं, वो सब चीजें होती हुई पता चलती हैं, जो कि बहुत बड़ा फर्क है टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बीच में। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सुमित जी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, हम सबका एक ही मोटो है, वो मोटो क्या है कि हमें बाइंग सेलिंग या अनवाइंडिंग हमें होते हुए पता चले ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना सके। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस मुझे सब कुछ हो जाने के बाद बताता है सिर्फ एक ही कारणवश कि आप कोई भी टेक्निकल स्टडी, कोई भी टेक्निकल टूल, कोई भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर आप उठा करके देख लो, वो हर चीज क्लोजिंग प्राइस पे काम करती है, काम बंद हो जाने के बाद आपको बताती है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस आपको होते हुए ठीक उसी नेविगेशन सिस्टम की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर दिखाएगा कि ये चीजें हो रही हैं। और एक बार अगर मुझे वो चीजें होती हुई दिख जाएं, एक बार वो चीजें होती हुई मुझे पता चल जाएं, तो आप मुझे बताइए मुझे प्रेडिक्शन करने की कोई जरूरत है? मुझे वो कॉम्प्लेक्स मैप देखने की जरूरत है? मुझे वो रास्ते में जो राहगीर है उनसे कुछ पूछने की जरूरत है? मुझे वो जो रास्ते के साइन बोर्ड हैं वो देखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है सुमित कि हमें करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करना है। करंट मार्केट प्राइस को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारा एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है जो हमें सब कुछ होते हुए बताएगा कि जी ये हो रहा है। अब चॉइस आपकी है कि आपको वो, आपको करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करना है, आपको लाइव ट्रैकिंग सिस्टम को फॉलो करना है, या आप अभी भी उन कॉम्प्लेक्स मैप या उन होर्डिंग्स या राहगीरों की मदद लेकर के काम करना चाहते हैं। और लास्टली मैं यहां पे सुमित आपके सभी व्यूअर्स को एक प्रैक्टिकल चीज बोलना चाहता हूं, आप पर्सनल तौर पर कर करके देखिए। आप अपने दोस्त के साथ गाड़ी में किसी एक ऐसे ट्रिप पर निकलिए जहां पर आप पहले कभी नहीं गए हैं, और आप खुद एक नेविगेशन सिस्टम, वो जो मैंने आपको बताया गूगल मैप का, वो आप ले लीजिए और अपने दोस्त को एक वो कॉम्प्लेक्स मैप दे दीजिए। मैं गारंटी चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आपकी यात्रा आपके दोस्त के कंपैरिजन में इतनी सुखद, रिलैक्स होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एक और गारंटी देता हूं कि आप उस दोस्त से पहले पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, और आपका दोस्त पहुंचेगा परेशान, दुखी आत्मा बनकर और बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट होता हुआ वहां पर पहुंचेगा, और शायद वो पूरी ट्रिप का मजा भी ना ले पाए, लेकिन आप अपने ट्रिप को खाते पीते एंजॉयफुल अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल एंजॉय करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये मोटा मोटा फर्क है। जिसे अगर आपकी बातों से क्लियर कट एक आंसर निकाला जाए तो करंट मार्केट प्राइस एक
एक नेविगेशन सिस्टम की तरह है, जो आपको सब चीजें लाइव होते हैं, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है, आप इसको बड़े सिंपल लफ्जों में आप ये बोल सकते हैं, वो सब कुछ आपको होते हुए बताएगा कि जी ये चीजें हो रही हैं। और दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस स्टडीज एक कॉम्प्लेक्स मैथ की तरह है, और बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी जो आपको कंफ्यूज कर देती है, ये सभी जानते हैं लोग, मेरे भाई बहन सब जानते हैं चीजें, इसीलिए वो परेशान है कि देखना कुछ और है, वो दिखाता कुछ और है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीजें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां पे नदियों की इन्फॉर्मेशन भी है, पहाड़ों की इन्फॉर्मेशन भी है, जरूरी नहीं होती वो, जरूरत आपको, जरूरत क्या है, आप अगर जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई तो आपको पूना का रास्ता वो बीच में दिखा रहा है, क्या करोगे उसको देखकर, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ना, यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मैप, अगर वो आपका कॉम्प्लेक्स मैप जो आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो आपको सीधा सीधा रास्ता दिखा रहा है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एनालिसिस का वो मैप आपको सीधी पिक्चर नहीं दिखाता, वो आपको इसके साथ और ऐसी इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है जिसकी असल में जरूरत नहीं है, और उससे भी बढ़कर वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सब कुछ हो जाने के बाद वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस आपको सब कुछ होते हुए बताएगा कि जी ये हो रहा है, करना या ना करना आपके हाथ में। सर आपने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देके हमें बताया कि किस तरह करंट मार्केट प्राइस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस स्टडी से बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। सो व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन यदि आप फिर भी टेक्निकल एनालिसिस स्टडी को चुनना चाहते हैं तो इट्स योर विश। लेकिन जिस तरह से राजीव जी ने दिल्ली बॉम्बे वाला एग्जाम्पल देके हमें समझाया है, और नेविगेशन सिस्टम लाइव ट्रैकिंग सिस्टम का एग्जाम्पल दिया है एज कंपेरिजन टू कॉम्प्लेक्स मैप के, तो आप ही डिसाइड कीजिए कि आप एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम चुनना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आपको लाइव होती हुई दिखाई देंगी, या तो एक कॉम्प्लेक्स मैप जहां बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी करंट मार्केट प्राइस की अहमियत को जान सके कि किस तरह करंट मार्केट प्राइस टेक्निकल एनालिसिस स्टडी से बेहतर है। हम एक बार फिर हाजिर होंगे इसी तरह के एक वैल्यूएबल नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।